हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन का एनालिसिस। ये सारे क्वेश्चंस 2021 में ही आपसे ज्योग्राफी पार्ट में पूछे गए हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली जो है फैक्ट्स, जो फिनोमिना है, ठीक है, और जो लर्निंग है, जो फिनोमिनन है और जो लर्निंग है, जो कि आपकी बेसिक, ये सारा जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं, और फिर आपकी जो गोचिंग लियोंग हो गई, ठीक है, साथ में आपकी कुछ और बुक्स है जैसे ज्योग्राफी के लिए खुल्लर हो गई, ठीक है, तो ये सब कुछ बुक्स हैं जो बेसिक बुक्स हैं, उसमें से आपको जो चीज की नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, जो फैक्ट्स है, जो फिनोमिना है, जो ऑब्जेक्टिव रेशनल नॉलेज है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में तुक्के नहीं चलेंगे। दूसरी चीज, आपको आपका पार्ट जो इसमें स्ट्रांग होना चाहिए वो एनालिसिस पार्ट, कि अगर वो फैक्ट है, अगर वो चीज है, तो वो वहां पर क्यों है। तो जैसा कि हमने बाकी जीएस के क्वेश्चंस में देखा कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, तो यही चीज आप इसमें भी अप्लाई करेंगे पढ़ते हुए, कि अगर ये चीज हो रही है तो ये कहाँ हो रही है, ये वहां क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। जब किसी भी टॉपिक को आप ज्योग्राफी में ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन जो है वो एड्रेस करने में जो दिक्कत है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी चीज जो इसके बारे में आपको पता करनी है, ठीक है, क्वेश्चन कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को टारगेट करना है ना, तो अपना जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट आपको टारगेट करना है। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन एड्रेस करने हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो 10 में से ज्योग्राफी में आप 7 से 8 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने क्वेश्चन को एक साइंटिफिक तरीके में एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ज्योग्राफी को लेकर कुछ चीजें समझी। अब हम जो है इसको देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, 10 मार्क्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हिमालयस और जो वेस्टर्न घाट है, उन दोनों जगह में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उनके कॉजेज को आपको डिफरेंशिएट करना है कि क्या कारण है, ठीक है। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आप लैंडस्लाइड की एक हल्की सी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे की है, और कुछ इंडिया स्पेसिफिक जो डाटा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट है आपके लैंडस्लाइड, अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का भी, तो उसमें भी डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पे डाटा आपने याद किया होगा, इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं हमने इंट्रोडक्शन को क्या बताने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन डाल दी है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और डिटेल्ड है, अपने में वो बता रही है कि आपको इनडेप्थ नॉलेज है लैंडस्लाइड का। क्या बोलता है, लैंडस्लाइड इज सडन रनिंग ऑफ लैंड, ठीक है, जिसमें से सॉइल डेब्रीज हो गया, रॉक भी हो गया, प्लांटेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। कहाँ रन करते हैं ये, अलोंग द स्लोप, तो उसमें हमने बता दिया कि लैंडस्लाइड अलोंग द स्लोप होता है, और कैसे होता है, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, एंड एक्सेलरेटेड, बाकी चीजें इसको क्या एक्सेलरेट की है, रनिंग वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, तो बहुत से कारण जो है, जो नेचुरल है और जो मैन मेड है, ठीक है, उन दोनों कारणों को मिलाकर जो आपके लैंडस्लाइड्स हैं वो हो रहे हैं और उसमें क्या होता है, ये हमने एक ब्रीफ आपका जो इंट्रोडक्शन में है यही बता दिया। साथ में हम इंडिया स्पेसिफिक डाटा बता रहे हैं, ये डाटा मैंने प्रिपेयर किया था जब मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार करना था, तो वहीं का मैंने डाटा डाल दिया अकॉर्डिंग टू
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 12.6% ऑफ लैंड मास इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स इन इंडिया. तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन हो गई है जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देगी. यहीं पर पूछी नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में ये दो लाइनें डाल देंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो आ जाएगा. ठीक है, अब डायरेक्टली हमने जंप किया किसकी तरफ, आंसर की तरफ, जो बोलता है कि कॉजेज जो हिमालयन साइड है, जो वेस्टर्न घाट साइड है, उन दोनों के कॉजेज क्या क्या है. तो कॉजेज हम देखते हैं. कॉजेज को मैंने फर्दर सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया है, जो एग्जामिनर को एक और अच्छा इंप्रेशन देती है कि उसको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया है. आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर से या एक बॉक्स बना के. तो पहला मैंने बताया जियोलॉजी एंड लिथोलॉजी. तो आप देख रहे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है, बातें वही है पर ये जो प्रेजेंटेशन है ना, घर पे भी मम्मी पुलाव बना के खिला देती है अब तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती. पर अगर आप मार्केट में बहरूज की बिरयानी या बिरयानी बाय किलो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो जिस तरीके से सर्व की जाती है, जिस तरीके से चीजें एडिशन आती है, जो डेकोरेशन होती है, तो ऑब्वियसली वो आपके टेस्ट को और एनहांस करती है. वैसे ही ये जो प्रेजेंटेशन होगी ये आपके मार्क्स को और एनहांस करेगी. ठीक है, तो सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ प्रेजेंटेशन. जियोलॉजी एंड लिथोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हमने बताया भी हिमालय जो हमारे हैं वो यंगफोल्ड माउंटेन्स है, तो उनमें अभी भी अपलिफ्टमेंट हो रही है, इसलिए वो अनस्टेबल है, इसलिए वहां पे डेन्यूडेशन भी होती रहती है, क्योंकि वहां का जो मेजर कॉम्पोजिशन है जो लिथोलॉजी है दैट इज सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये बहुत ईजिली जो है इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड चलते रहते हैं. अगर जियोलॉजी और लिथोलॉजी हमने वेस्टर्न घाट की बताई है तो हम बोलते हैं ये जी स्टेबलाइज्ड इग्नियस मासेस है. ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक के रीजन से जो लैंडस्लाइड है वो बहुत ही लेस रेयर होते हैं. तो पहला हमने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया कॉजेस को. अगला अगर हम कॉजेस की बात करें देन अगेन आप इसको डिब्बे में बनाएंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से इसको टेक्टोनिक एक्टिविटी. अब हमने पहले जियोलॉजी और लिथोलॉजी बोली, अब हम टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं. हम लिखते हैं सिंस हिमालयस आर स्टिल विद नेस्टिंग अपलिफ्टमेंट, अभी भी अपलिफ्टमेंट हो रही है, तो वहां पे क्या है एक्टिव प्लेट बाउंड्री है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका प्लेट और प्लेट का कोल्यूजन है वो चल रहा है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपना प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट. ठीक है, तो ये जो एक्टिव प्लेट मूवमेंट हो रही है देयरफोर यहाँ पे अर्थक्वेक में आना ही है, शेकिंग ऑफ लैंड होनी ही है और लैंडस्लाइड्स होने ही है. यहाँ पे हमने टेक्टोनिक एक्टिविटी का एंगल दे दिया. वहां पे हम बोल रहे हैं ये जो ग्रेनेटिक कॉम्पोजिशन है ये वैसे ही डिन्यूट कम करती है, और यहाँ पे कोई मेजर फॉल्ट लाइन भी नहीं है, इसलिए ये टेक्टोनिकली स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे लेस रॉकफॉल वगैरह होता है. तीसरा रीजन अगर हम आगे तो हम बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी. तो आप देख रहे हैं कि जो आपका टिपिकल ज्योग्राफी का आंसर है वो बन रहा है ना, कि एक कॉमन लैंग्वेज ही है जो कॉमन मैन को समझ आ रही है, लेकिन आपने इसको सब कॉम्पोनेंट में डिवाइड करके अपनी रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया है, बहुत ही प्रेजेंट बना दिया और क्लियर बना दिया है. एग्जामिनर देख के नंबर दे देगा आपको कि ओके, कि ऐसे उसको ढूंढना पड़ेगा कि इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, इतना टाइम नहीं होता. उसी के ऊपर देखा अच्छा जियोलॉजी और लिथोलॉजी हल्का सा दिखेगा, वेरी गुड. टेक्टोनिक एक्टिविटी वेरी गुड. इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी बीच में एक चीज पड़ेगा, वेरी गुड. तो आपकी सब हेडिंग जो है वो आपको बहुत ज्यादा नंबर जो आपके बढ़ा देगी. अब इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी अगर आप देखें तो इसमें हिमालयस हैव एम्पल स्नोफॉल, ठीक है, बोथ समर एंड विंटर रेनफॉल. ठीक है, समर में यहाँ पे जो मॉनसूनल रेनफॉल है वो आती है और विंटर में जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो आती है, तो दोनों बार बारिशें लगी रहती है. ठीक है, उसके बाद विंटर में ये बता रहे फिर हेंस लैंडस्लाइड प्रोन इन बोथ द सीजंस. ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स बहुत फ्लो करती है जिनकी बहुत ट्रिब्यूटरीज है, हल्का सा भी पाथ अगर चेंज होता है ठीक है अगेन प्रोन टू लैंडस्लाइड. ठीक है, देखा आपने कहीं से भी सुना होगा कहीं से भी नाला आ गया वहां नहीं आता, कोई नालों के नाम है, कोई पागल नाला है लाहौल में आता है तो रोहतांग पास से आगे जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, इसी तरीके से ये जो नालाज हैं सीजनल कभी भी आ सकते हैं, है ना. वैसे ही ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट इन एरियाज में कॉमन है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत रहती है, तो ग्लेशियल लेक
आउटबर्स्ट जो है वो भी होगा ही होगा, ठीक है। तो अवलांची ऑल्सो प्रमोट लैंडस्लाइड्स, जैसा कि आपने केदारनाथ फ्लड केस में देखा था कि वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से। तो आपने बड़ी क्लियरली हिमालयन रीजन के कॉजेस बता दिए लैंडस्लाइड्स के। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने वेस्टर्न घाट से, साथ साथ में हम यहाँ लिखते हैं वेस्टर्न घाट में स्नो तो आती नहीं है, रिवर्स जो है वो भी सीजनल है, ठीक है। हेंस मेन थ्रेड यहाँ पे बस वो रेनफॉल वाला टाइम ही रहता है लैंडस्लाइड में, और ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर जो है सारा ईयर प्रोन रहे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम ऊपर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की। अगेन सब हेडिंग हमने यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे उसमें डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स, अनसाइंटिफिक ग्रेजिंग ऑफ लैंड हो गया, हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन जैसे टनल्स बना दी, रोड कंस्ट्रक्शन, वो सब भी जो है एक्सेलरेट करती है लैंडस्लाइड का प्रोसेस। एग्जाम्पल भी हमने साथ साथ में दिए हैं कि जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है उस वर्क की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड जो है इस रीजन में बढ़ गए हैं, हिमाचल में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो वेस्टर्न घाट में है वो बिल्कुल अलग है, डिफॉरेस्टेशन तो एक कॉमन है लेकिन उसके अलावा वहाँ पे इट इज अ मिनरल रिच एरिया, वहाँ पे आयरन रिजर्व है, बॉक्साइट रिजर्व है, कई रिजर्व है। तो हैफेजर्ड एंड इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज होती है इन फॉरेस्ट रिच एरियाज में, विच हैज रिजल्टेड इन लैंडस्लाइड्स इन पास्ट फ्यू ईयर्स। डैम्स एक इंपॉर्टेंट रीजन है वहां पे, डैम माइट ऑल्सो इंड्यूस लैंडस्लाइड ड्यू टू सीपेज एंड लीकेजेस। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली हमने जो वेस्टर्न घाट है और जो आपके हिमालयस है उसके कॉजेस पे फोकस किया है, ठीक है। और चार कंपोनेंट्स में हमने टेक्टोनिक हो गया, जियोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया और एंथ्रोपोजेनिक हो गया। तो इन चार तरीकों से हमने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिए हैं जो बहुत ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन देते हैं। फाइनली हल्का सा जैसे इंट्रोडक्शन दिया था एक लाइन में कंक्लूड कर दिया, ठीक है। हाउएवर लैंडस्लाइड कॉज अ मेजर थ्रेट टू लाइफ एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, सॉरी दिस इज कॉज, ठीक है। Hence, management of this disaster is essential through scientific practices and heavy deforestation. तो एक positive line में हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि हमारे geography के answers हमें कैसे करने हैं, और आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि जिनके marks अगर नहीं आ रहे हैं उनको लग रहा है वो लिख रहे हैं तो presentation matter करती है, content matter करता है कि कैसे आपको present करना है। I hope ये video आपको हेल्पफुल रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जो ज्योग्राफी का 2021 मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू जीडीपी इन परसेंटेज, डिस्कस। अब सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं उन चीजों की, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अगर गोंडवाना लैंड है और ये किन किन स्टेट्स में जो है वो आपके पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन से तो समझ आ गया है कि ऑब्वियसली ये मिनरल रिच एरिया होगा, है ना। तो कौन सी मिनरल्स इसमें पाई जाती है, पहला तो इसमें ये ज्योग्राफी का एक एंगल आ गया, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का वो वाला पार्ट आ गया, आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आ गया ये, है ना। फिर उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री का इस वक्त जो स्टेटस है वो क्या है, क्योंकि इसमें बोला है कि हमारे पास गोंडवाना लैंड है, ठीक है, लेकिन फिर भी माइनिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो प्रेजेंट जो माइनिंग की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ये फैक्ट्स यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर देते हो आपका आंसर ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है, ज्यादा फैक्ट बेस्ड हो जाता है। ये वाला डाटा आपको एक्सक्लूसिवली जो है जब आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ते हैं उसमें आपको ये हर बार जो है ये लिखा गया है, ठीक है। ये हमेशा होता है कि माइनिंग सेक्टर इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये करता है, तो जब भी आप कुछ पढ़ो उसको थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमेशा दिमाग में रख लो। तीसरी चीज अगर इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो है आपको फैक्टर्स बताने हैं कि क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारी माइनिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं पा रही है, और एंड में आपको जो है एक पॉजिटिव
वे फॉरवर्ड के साथ जो है उस क्वेश्चन को, वे फॉरवर्ड के साथ जो क्वेश्चन को है वो एंड करना है। तो ये चारों चीजें आप जो है वो इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, इनिशियल इंट्रोडक्शन में मैंने, इन्होंने पूछा नहीं है गोंडवानालैंड, लेकिन मैंने एग्जामिनर को बता देना है कि मुझे इनडेप्थ में नॉलेज है, थोड़ा मेरा आंसर भी कॉम्प्रिहेंसिव उससे बन जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ गोंडवानालैंड कंप्राइजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ विदर्भ महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि क्योंकि ये पार्ट मैंने जब मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर की है, मैप प्रिपेयर किया है, तो जब भी आप पूरा प्लेट यूज करेंगे, प्लेन्स करेंगे, आइलैंड्स, मतलब सब कुछ आप प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा जो गोंडवाना लैंड है। और अगर आप थ्योरी भी पढ़ो, जितनी भी आपने ये गोंडवाना, लॉरेशियन, ठीक है, तो वो कौन सा लैंड है, कहाँ गया, वो भी पढ़ो, तो उस वक्त भी आपको नॉलेज होगी कि ये कौन सा लैंड है। तो गोंडवाना लैंड मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पे अपनी नॉलेज को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दिया क्योंकि यही रीजन है मिनरल रिच। ठीक है, तो मैंने कहा कंप्राइजेज ऑफ ये। अब मैं बता रही हूँ इसकी जियोलॉजी, जियोलॉजिकल प्री कैम्ब्रियन रॉक स्ट्रक्चर। तो मैंने ये भी बता दिया गोंडवाना क्या है, आपका प्री कैम्ब्रियन रॉक स्ट्रक्चर है जो ओवरलेड है इग्नियस डेक्कन ट्रैप से। ठीक है, दिस रीजन हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ठीक है, आयरन, आयरन और मिका एंड एल्यूमिनियम। तो एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन में मैंने, एग्जामिनर ने पूछा नहीं था, पर मुझे इंट्रोडक्शन देनी है, दो लाइनें तो लिखनी है, तो क्यों ना मैं फ्रूटफुल लाइनें लिखूं। ठीक है, और जब भी आप किसी चीज की जो डेफिनेशन है उसके साथ लिखते हैं वो बहुत ही एक आपका पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट वो देती है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट ऑफ विदर्भ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ठीक है, जियोलॉजिकली प्री कैम्ब्रियन रॉक स्ट्रक्चर इज ओवरलेड विद इग्नियस डेक्कन ट्रैप, और ये रीजन में ये पाया जाता है। डायरेक्टली अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ गई हूँ। ये बोलता है इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट मच लेस। तो मैंने इस आंसर को डिस्कस करना है, तो थोड़ा ऑथेंटिक बनाने के लिए मैंने डाटा, और ये डाटा मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, जब मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर किया, जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे या बजट पढ़ा, उस वक्त मैंने एक लिस्ट बना ली थी चीजों की, तो वो लिस्ट जो है आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह काम आती है। ठीक है, यही डाटा आपको आंसर में भी काम आएगा, एसेज में, सॉरी। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ गोंडवाना कोल, अब इसमें कोल है, मेक्स अप 98% ऑफ टोटल रिजर्व इन इंडिया, एग्जाम्पल कोलवा। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि यार कोल ही इसका 98%, इतने ज्यादा इसमें रिजर्व्स हैं। ठीक है, अगला मैं लिखती हूँ आयरन और रिजर्व्स आर स्प्रेड ओवर इन, कहाँ कहाँ ये है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बट माइनिंग सेक्टर, मैंने थोड़ा कोल का बताया, थोड़ा आयरन का बताया, मैं कह रही हूँ इतना सब है, बट माइनिंग सेक्टर इन इंडिया स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 2.2 to 2.5% ऑफ जीडीपी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक डाटा हो गया। अब यहाँ तक तो मैंने जो क्वेश्चन में उसने बोला है उसी को डिस्कस किया, अब मैं फटाफट उसने जो मुझसे आंसर मांगा है उसको लिख देती हूँ। उसने बोला डिस्कस, मतलब क्यों है ऐसा, जब डिस्कस किया तो हमने थोड़ा उसके क्वेश्चन को भी फैला दिया। ठीक है, आंसर लिखने का यही तरीका है। अब हम डायरेक्टली आ गए द रीजंस, द रीजंस फॉर सच लो कॉन्ट्रीब्यूशन आर, क्या रीजन है। पहला रीजन जो है दैट इज लैक ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं, फेलियर है हमारा कि वाइबल माइनिंग साइट्स हम ढूंढ नहीं पाते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जो फुल पोटेंशियल हमारी यूटिलाइज करने में हमें रोकता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया, पहला लैक ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ये सब हेडिंग है। अगला है गवर्नमेंट फेलियर, तो यहाँ पे अब मैंने गवर्नमेंट फेलियर, मतलब जितनी भी आपकी रेड टेप जमाती है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात कर दी है। ठीक है, जितनी भी रेड टेपिज्म आती है उसकी यहाँ पे बात की है। अब मैं लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट माइनिंग पॉलिसी, हाई रॉयलिटीज, रेड टेपिज्म, डबल टैक्सेशन, rampant corruption, unproductive PSUs, lackadaisical attitude of the officials, inefficient management,
poor development of infrastructure, connectivity for transportation, less focus on more focus on imports, mafia raj, illicit mining, which have further acted as a major roadblock in the process. So here I have some of jitne bhi government failures hain unko ikattha karke darsha diya hai. Theek hai, to ye second reason tha low contribution ka. Third maine jo isko hai jo aapka जो आपका environmental impact है वो third, socio economic causes fourth, और फिर मैंने conclusion दे दिया है. तो environmental impact को देखते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं these areas, जो गोंडवाना land है यहाँ पे minerals है, ये heavily forested areas भी है. यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आपके forest है वो बहुत है. ठीक है, तो यहाँ पे environment impact assessment करनी पड़ती है. और अभी भी हमारा जो focus है वो open cast mining की तरफ रहता है, जो environment को ज्यादा degrade कर देती है. उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, पानी का, हवा का, लैंड का. तो ये भी कुछ इश्यूज है इन एरियाज में, जिसकी वजह से हम फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज नहीं कर पा रहे अपने माइनिंग सेक्टर का. अगला कॉज मैंने आपको सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस बताया कि सरकार की अब माइनिंग एरियाज है, जंगल है, तो यहाँ पे आपका जो नेचर है ट्राइबल्स भी रहते होंगे, है ना, पुअर पीपल भी रहते होंगे. तो गवर्नमेंट की जो पुअर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स के लिए, ठीक है, जो बेनिफिट्स है वो बाहर वाले ले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ले जाती हैं, है ना. तो उसकी वजह से यहाँ पे नेक्सल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलती है. तो लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज नहीं हो पाया, यहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं बन पाया, वो उड़ा देते हैं. उनको मिसट्रस्ट हो गया है सरकार से कि ये लोग आएंगे तो बाहर वाले लूट के ले जाएंगे, ऐसा ये समझ गए. तो ये नक्सल मूवमेंट जो है ये भी एक जो डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉपर पोटेंशियल है वो एक्सप्लोरेशन का वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ पे सम टोटल ऑफ मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज को सब हेडिंग्स, चार सब हेडिंग्स में डिवाइड करके लिख दिया है. तो मैं कंक्लूजन दूंगी जो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. तो मैं लिखती हूँ, इंडिया हैज सच वायबल वेल्थ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट हैज टेकन फ्यू स्टेप्स. अब मैं कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव स्टेप्स के बारे में बात कर रही हूँ जो लेटेस्ट है. ये करंट अफेयर इंटेग्रेट हो गया आपका, लाइक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020. क्या बोलता है ये, टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन माइनिंग एंड ईज द क्लियरेंसेस. फिर मैं सीधे लिखती हूँ, इफ एक्सप्लोर्ड इन सस्टेनेबल मैनर दिस अंडर डेवलप्ड रीजन हैज ह्यूज पोटेंशियल टू एक्ट एज अ ग्रोथ पोल फॉर द होल कंट्री. तो जो वर्ड्स है ग्रोथ पोल है, ये सब ज्योग्राफी के वर्ड्स है. तो ज्योग्राफी का आंसर है, तो मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी भी जो है वो उसी तरीके की, जो टर्मिनोलॉजी भी है थोड़ी उसी तरीके की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उसी तरीके की मैंने डाल दी है. बहुत ही आंसर क्रिस्प है, बहुत ही क्लियर है और बहुत ही डायरेक्ट है. क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन पर मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 में से 7-8 नंबर आप ले पाएंगे इजीली. ठीक है, होप आपको समझ आ गया. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन. एस्पिरेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा ज्योग्राफी में पूछा गया है 2021 यूपीएससी मेंस में. What are the environmental implications of reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो ये बोल रहे हैं कि हमें एनवायरमेंट पे होने वाले उन implications के बारे में बताइए आप, जो वाटर बॉडीज जो है उनका जो रिक्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, जो वाटर बॉडीज है उनका जो रिक्लेमेशन हो रहा है किसमें, अर्बन लैंड यूज में. तो उसकी वजह से जो जो इम्प्लीकेशंस एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंट के ऊपर हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में संबंधित आप हमें एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स. तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स बहुत जरूरी है. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है. हम जरा इंट्रोडक्शन पे जाते हैं. यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है तो शायद इतना लिखने का टाइम ना लगे. बट मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐड किया है. अर्बन वाटर बॉडीज, ठीक है, बात हो रही है वाटर बॉडीज का, अर्बन लैंड यूज के जो कन्वर्जन होता है उस पर क्या इम्पैक्ट है. तो मैं वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ. दे एक्ट एज किडनीज ऑफ इकोसिस्टम, दे आर बायोलॉजिकल सुपर मार्केट्स, दे इम्पैक्ट द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द रीजन, दे रिचार्ज द एक्विफर्स, मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल.
ठीक है, इन शॉर्ट दे सपोर्ट द होल इकोसिस्टम। तो ये चीजें यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि मैं जब इम्प्लीकेशंस बताऊंगी एनवायरनमेंट की, तो पहले मैं उनका इम्पैक्ट बता रही हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वाटर बॉडीज की, वाटर बॉडीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो उसको मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बताने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अर्बन लैंड यूज में तो ऑब्वियसली ये सारे फंक्शंस नहीं होंगे, तो क्वेश्चन को मैंने इसी तरीके से एड्रेस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। हाउएवर दे आर डिग्रेडिंग एट अ फास्टर पेस ड्यू टू, क्यों, यहाँ पे मैंने अर्बन फैक्टर्स भी बता दिए, एनक्रोचमेंट, कंक्रीटाइजेशन ऑफ विसिनिटी, डंपिंग ऑफ गार्बेज, कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर लैंड एंड मेनी अदर रीजंस। तो अर्बन लैंड यूज में जो कन्वर्जन हो रहा है, आपकी जो वाटर बॉडीज है उनका जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो अर्बन लैंड यूज में, तो वो किन किन अर्बन लैंड यूज में, तो वो किन किन वजहों से हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दी। तो हमारी इंट्रोडक्शन पहले वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस को बता रही है और साथ ही साथ जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उन कॉजेस को बता रही है। तो आप समझ रहे हैं हमने अपनी इंट्रोडक्शन को कैसे जो है कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है। तो हमारी इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं जो उसने पूछा हुआ है, तो इम्पैक्ट ऑफ दिस हैज बीन एडवर्स ऑन एनवायरनमेंट, डायरेक्टली पूछा है क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, तो वो देखो। अब इसको सबटाइटल्स, जैसे मैंने पहले बोला, मैंने आपको बताया सबटाइटल जो है, सब हेडिंग जो है, जो आप इनको अलग से बता देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को बहुत क्लियर हो जाता है कि आपने इसमें क्या प्रोवाइड किया है, क्योंकि एज सच एग्जामिनर के लिए पूरे पूरे लेंदी लेंदी आपके आंसर्स पढ़ना सारे पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर जब आपके सब हेडिंग्स आ जाती है वहां से एक क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाती है कि आप क्या बताना चाहते हो, ठीक है, एंड इट ऑलवेज इट एड्स टू मेनी 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 मोर मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या बात की है। पहला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना। तो हमने बताया कि जो वाटर बॉडीज है अगर उनको चेंज करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, फ्लोरा और फौना का लॉस होता है। तो उसने बोला बताओ एग्जांपल, तो हमने दोनों चीजों को एड्रेस किया। हम बोल रहे हैं वाटर बॉडीज सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म, सिर्फ इतना लिखने से नहीं, एक्सप्लेन भी किया है, जैसे फिशेज है, टर्टल्स है, प्लांट्स है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बन लैंड यूज ऑन गंगा, एग्जाम्पल यही दे दिया, हैज रिड्यूस्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, ठीक है। द हैवी मेटल रन थ्रू आउट द फूड चेन एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ फिशेज एंड टर्टल्स। अब एग्जाम्पल भी दे दिया कि 40% ऑफ इंडियन टर्टल्स आर एंडेंजर्ड, एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी सीन इन केस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना है उसको विद एग्जांपल आपने जस्टिफाई कर दिया। पहला इंपैक्ट आपका समझ आ गया क्या होगा अगर आप वाटर बॉडीज को कन्वर्ट कर रहे हैं अर्बन लैंड यूज में, ठीक है। अर्बन लैंड की यूज क्या है वो हमने पहले ही इसकी इंट्रोडक्शन में बता दिया है, ठीक है। सेकेंड इज आपका हैबिटेट लॉस फॉर मेनी स्पीशीज। अब इसको कैसे, अब हम बता रहे हैं कि वाटर बॉडीज अगर एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बर्ड स्पीशीज होमलेस हो जाती है, स्पेशली आपके माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर हमने एग्जांपल दे दिया क्योंकि उसने बोला है एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने बोला जो दिल्ली की ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डंपिंग यार्ड बना दिया गया, ठीक है, इतना सारा उसमें गार्बेज जो है वो डिस्पोज ऑफ किया, तो उसकी वजह से लेस बर्ड विजिटर्स आने लग गए क्योंकि उनका फोर्स्ड हैबिटेट लॉस हो गया, तो एवियन स्पीशीज एडवर्सली इससे इंपैक्ट होते हैं। तो सेकंड चीज हमने एनवायरनमेंट की बता दी। अब थर्ड, फॉलन ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि अगर आप अर्बन वाटर बॉडीज को या वाटर बॉडीज को अर्बन लैंड यूज पैटर्न में चेंज करते हैं तो पानी की कमी पूरे एरिया में हो जाएगी। कैसे, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ पोटेबल वाटर, पीने का पानी, यूज करने का पानी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, हैविली पॉल्यूटेड। अब एग्जाम्पल कैसे दिया, हैविली पॉल्यूटेड यमुना हैज लेड टू डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट इन नियर बाय सॉइल ऑल्सो, देयर इज फॉल इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने एनवायरमेंट में पढ़े हैं, एंड इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इंटीग्रेट करना है, एनवायरमेंट पढ़ा है ना, तो उसको यहाँ के इम्पैक्ट में डाल दीजिए।
ठीक है, मेकिंग इट नो मोर पोर्टेबल. देयर हैज बीन फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू दीज फैक्टर्स. तो यहाँ हम बता रहे हैं कि फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल हो जा रहा है, क्योंकि पानी जो वाटर टेबल है वो मेंटेन नहीं रह रहा, फिर पॉल्यूशन हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, और साथ में सॉइल फर्टिलिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है. ये तीन हो गया, अगले पेज पे चलते हैं. ठीक है, फिर हमने अब और इम्पैक्ट जो है बताया एनवायरनमेंट पे. हमने बोला इससे एरिया बिकम्स मोर प्रोन टू डिजास्टर. एरिया क्या है? मोर प्रोन टू डिजास्टर. अब कैसे एक्सप्लेन किया? हम बोल रहे हैं मेनी अर्बन एरियाज इन मुंबई. ठीक है, अब मुंबई की एक जो वाटर बॉडी है उसका हमने एग्जांपल दिया है सच एज पवई. ठीक है, तो ये जो पवई है इसका एग्जांपल हमने दिया है कि इन मुंबई सच एज पवई हैव बीन. ठीक है, अब सॉरी, हाँ, तो जैसे मुंबई में जो पवई आपकी एक वाटर बॉडी है, ठीक है, इट हैज बीन जो आपका पवई है, इट हैज बीन इधर एनक्रोच्ड और हैव एंड हैज प्रॉब्लम ऑफ सेडिमेंटेशन, पॉल्यूशन, गार्बेज डंपिंग. तो दिस हैज गिवन राइज टू मोर डिजास्टर्स. जैसे रैम्पेंट फ्लडिंग ऑफ एरिया ड्यूरिंग मॉनसून एज लेक फेल्स टू एक्ट एज अ स्पॉन्ज टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर. तो आपको पता है कि जो अर्बन वाटर बॉडीज होती हैं, जो वेटलैंड होते हैं, वो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो सारा पानी इसमें ड्रेन कर जाता है, एंड दे हैव दैट कैपेसिटी जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज. तो ये सारा पानी अपना एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ अ स्पॉन्ज, और धीरे धीरे ये रिलीज करते रहते हैं. तो आसपास की सॉइल भी फर्टाइल रहती है और जो वाटर टेबल है वो भी मेंटेन रहता है. पर अगर इसको डंपिंग यार्ड बना दें और इसको एनक्रोच कर लें, खत्म कर लें, तो क्या हो जाएगा? तो एरिया में जो है वहां पे हो जाएगी आपकी फ्लडिंग. तो ये एक एग्जांपल हमने विद एग्जांपल बता दिया है कि कैसे एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करता है कि जो डिजास्टर्स है वो आपके बढ़ जाते हैं. ठीक है, लास्ट फाइव अगेन सब हेडिंग चेंज इन माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द एरिया. अब देखो जो वाटर बॉडी है वो आपके माइक्रो क्लाइमेट को बहुत इम्पैक्ट करती है. ठीक है, और शहरों में अर्बन एरियाज में तो आपको पता ही है कि अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया कुछ सालों से. तो यहाँ बताते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लेक्स हैव आल्सो बीन ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड आल्सो ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट. अब पानी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे जो माइक्रो क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो अब ये बता रहे वेटलैंड सिक्वेस्ट कार्बन. ठीक है, their erosion have resulted in more greenhouse effect in the area, there is more heat trapping, क्योंकि concretization है. ठीक है, तो वो पूरा reflect नहीं करता, उसका albedo अलग है, वो उतना अच्छा नहीं होता, वो absorb करता है, and it raises the temperature of the surrounding area. Example, in case of Delhi and Ahmedabad, it has been seen recently as studied by NASA that difference of night temperature of main city and surrounding rural area is more than 20 degree centigrade. अभी newspaper में एक आया था, ठीक है, कि NASA ने अपने जो thermometer से ये पता लगाया है कि within 10 kilometers ही इतना ज़्यादा difference देखने को मिल रहा है, 5 to 10 kilometers कि urban area में temperature जो 20 degree का difference से ज़्यादा है ना. तो वो एग्जाम्पल अभी रिसेंट आया था न्यूज़पेपर से, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया. तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल आपने इकट्ठे करके रखने हैं और ये देखना है कि किस टॉपिक में यूज किए जा सकते हैं, ताकि अगर वो टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एकदम से आपको रिकॉल हो जाए. ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूड कर दें. हमने अर्बन वाटर बॉडीज की इम्पोर्टेंस बताई. ठीक है, सबसे पहले हमने अर्बन बॉडी वाटर बॉडीज की इम्पोर्टेंस बताई, फिर हमने बताया कि जो लैंड यूज है अर्बन लैंड यूज पैटर्न से कैसे वो इम्पैक्ट हो रही है. तीसरी चीज हमने क्या बताई, हमने उसका बताया कि एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हमने फाइव सब हेडिंग में बताया विद एग्जाम्पल. क्या डाल दिए हमने यहाँ पे, एग्जाम्पल जो न्यूज पेपर और यहाँ वहां करंट अफेयर्स में हमें पढ़ने को मिले. अब हम कर रहे हैं कंक्लूड. कंक्लूजन में हम लिखते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में हम लिखते हैं अर्बन लेक्स. ठीक है, जो आपके अर्बन लेक्स है दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द सिटी. अब इकोसिस्टम सर्विसेज अगेन आपने एनवायरमेंट में पढ़ के रखा है तो यहाँ पे डाल दो उसको. ठीक है, दे नीड टू बी रिस्टोर्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. ऐसे करके हमने इसको एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ कंक्लूड कर दिया. इस तरीके से आप अपने आंसर को एड्रेस कर सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी. तो अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन.
गुड मॉर्निंग ऑल. आज हम करने जा रहे हैं डिस्कशन ज्योग्राफी के फोर्थ क्वेश्चन पे जो यूपीएससी 2021 मेंस में पूछा गया है ना. तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले क्या पूछा गया है. क्वेश्चन बोलता है मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस इन 2021 and their impact on regional environment. अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपको दो जगह से सोर्स करना पड़ेगा. मतलब आपको तैयारी इस तरीके से है. पहले तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर के साथ इसको लिंक कर दिया है. क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तभी आपको पता होगा कि 2021 में कहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुई. पहला तो आपको ये है, इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर में जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप लिंक कर लीजिए अपने सिलेबस के टॉपिक्स के साथ. ठीक है, एक इकट्ठा करके रखिए और एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि एक ही न्यूज़ जो है ना एक हफ्ता मिनिमम चलती रहती है. अगर कहीं वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो पहले दिन कोई एक न्यूज़ आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी. मतलब किसी ना किसी फॉर्म में वो मेंशन होगा ही होगा. तो आपको एज सच रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर को रेफर कर रहे हैं तो ये चीज आपके माइंड में इनग्रेन हो जाएगी और पेपर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो न्यूज़पेपर जैसा कि हमेशा बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है यूपीएससी की हर लेवल की प्रिपरेशन के लिए, जो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. सेकेंड चीज, अगर आपको इसके बारे में पता हो, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज है. ठीक है, जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्लोब, ठीक है, कि दुनिया में कहाँ कहाँ वॉल्केनो इरप्ट होते हैं. ठीक है, वेयर, जैसे आपको पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना. फिर उसके बाद आपको पता है इटली में कुछ है, माउंट स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना है. ठीक है, जहां और वॉल्केनो आपको पता है वहीं पे आएगा जहां पे फॉल्ट लाइंस होंगी. तो कहां पे वो, मतलब जो टेक्टोनिक एक्टिविटी ऐसी है जहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है. तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में कहां कहां है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए, पहली बात. दूसरी चीज, आपको जब भी कोई चीज कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट पता होने चाहिए. अगर आपने वॉल्केनो प्रिपेयर किया होगा तो पहले तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके इम्पैक्ट किए होंगे कि अच्छा ये इम्पैक्ट है, इससे ऐसा होता है, इससे इस चीज पे ये असर होता है, इससे उस चीज पे वो असर होता है. अगर आपने नहीं भी एज सच इसको प्रिपेयर किया है पर अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो उसमें तो डायरेक्टली आ जाता है, न्यूज़पेपर में एनालिसिस ही आ जाता है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई, इससे ये इम्पैक्ट हुआ, इससे ये हुआ, है ना. तो एक रेगुलर जो है आपको रेगुलरिटी, आपको जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करके रखनी ही पड़ेगी टॉपिक में. ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमने बोला करंट अफेयर्स और सेकंड चीज हमने इसमें बोला कि जो बेसिक नॉलेज है आपका उसका नो हाउ, ठीक है, और उसका एक एनालिसिस पार्ट की एप्लीकेशन है ना, सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो क्या है. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन. मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को ही आंसर किया है. अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ने मैंने फिर से वही अप्रोच अपनाई है कि मैं डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच के साथ चलती हूँ. जहां पे मुझे आपकी होती है इंट्रोडक्शन, आप बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेशन चलेंगी, कुछ क्वेश्चन में डाटा चलेगा, कुछ क्वेश्चंस में जो करंट न्यूज है वो चल सकती है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन में एग्जांपल्स चल सकते हैं. तो इस तरीके से आपके बहुत ज्यादा तरीके होते हैं आप इंट्रोडक्शन देने के लिए. इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन क्योंकि 10 नंबर में है तो ईजी और क्रिस्प एंड क्लियर होगा और शॉर्ट होगा. तो मैं लिखती हूँ, किसी ने पूछा नहीं है वॉल्केनोस पर इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैं डेफिनेशन को बता रही हूँ. वॉल्केनोज ब्रैकेट में ही मैंने लिख दिया क्या है, इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम बीनीथ द अर्थ. पूछा नहीं है इसलिए इलेबोरेट नहीं किया मैंने, फटाफट एग्जामिनर को बता दिया है कि मुझे इनडेप्थ नॉलेज है, मुझे पता है कि टॉपिक क्या है. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद, मैं लिख रही हूँ वॉल्केनोज कहाँ होंगे क्योंकि उसने पूछा ग्लोबल अकरेंस, तो मैंने पहले बता दिया वॉल्केनो होता क्या है, फिर उसको एसोसिएट कर दिया, दे एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक एक्टिविटीज एंड सीस्मिक ज़ोन्स. डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गई मैं. उसने बोला ग्लोबल अकरेंस 2021 में कहाँ देखने को मिला, तो मैंने क्योंकि न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा है तो मुझे आइडिया है
पढ़ा है और मुझे ये भी पता है कि बेसिक जब मैंने करके रखा था तो मुझे पता है कि ये वाले एरिया जो है ये एक्टिव जोन है, यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन होता ही होता है। तो जब वो न्यूज़पेपर के साथ अलाइन हो गए तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो दिमाग में बैठ गए। ठीक है, तो वोल्केनिज्म इन 2021 कैन बी सीन इन, मैंने लिख दिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया में कराकाटाउ, माउंट मेरापी, माउंट सिमारू। ठीक है, फिर सडन इरप्शन ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो, ये मैंने बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिव जोन है। तो मैंने थोड़ा सा इसको ये बता दिया कि देखो कैसे यहाँ पे आया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अब मैं बताती हूँ कुछ नया हुआ है। हाँ, डोरमेंट वॉल्केनो भी सडनली इरप्ट हुआ है, कहाँ पे, द पाम इन स्पेन। तो एग्जामिनर को एक इंप्रेशन पड़ जा रहा है कि बच्चे ने बड़े अच्छे से सब चीजें करके रखी है, उसको पता है ना। और फिर इटली में मुझे पता ही होते ही रहते हैं, तो इटली में भी न्यूज में था, तो माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, बिकॉज इनकी रेगुलर इरप्शन होती रहती है। अदर इरप्शन अब मुझे पता चला कि आइसलैंड में हुआ, फिर ये हुंगा टोंगा सब मेरी वॉल्केनो फटा। ठीक है, तो जो भी मेरे माइंड में उस वक्त फर्स्ट आया वो सब मैंने लिख दिया एक्सेट्रा करके, मैं आगे की तरफ बढ़ी। तो क्योंकि पूछा था स्पेसिफिकली ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021, तो एक आध लिखकर काम नहीं चलना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। और एक्टिव जोन्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जोन्स और आपका डोरमेंट वोल्केनो, थोड़ा ऐसा डिफ्रेंशिएट करके एग्जामिनर को मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था, यहाँ यहाँ इस तरीके से वोल्केनो फटे थे। तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके आंसर का। प्रिपरेशन मैंने आपको फिर बताया, न्यूज़पेपर एंड बेसिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट, क्वेश्चन में ये पूछा है, मैंने इसको फिर से डिवाइड कर दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट में और अगले पेज में नेगेटिव इम्पैक्ट में। अगेन इट इज वेरी इजी फॉर एग्जामिनर। अब आप देखो पूछा है ऑन रीजनल एनवायरनमेंट, तो आपको लिमिटेड सिर्फ इसमें नहीं रहना है। कुछ बच्चे अपनी सोच बस इसमें रखेंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब है एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, वो सब तो हो गया, पर एनवायरनमेंट को आप जो आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है उसको अल्टीमेटली कौन है, हम एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं ह्यूमन से सिग्निफिकेंस में। तो जो इम्पैक्ट यहाँ भी आ रहा है एनवायरमेंट एंड ह्यूमन, आपने उसको इंक्लूड करके लिख लेना है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको डाइवर्सिफिकेशन आएगी आंसर में, आपको ज्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं बता रही हूँ, फ्लो ऑफ, अब मैंने ऐसा नहीं है कि एक चीज लिख दिया, अब एक एक वर्ड मैं लिख सकती हूँ, आप देख रहे हैं वर्ड लिमिट में अडेयर कर रही हूँ पर फिर भी मेरे आंसर कंप्लीट है। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने लगे, अगर आप एक लिख दिए कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ये मिनरल डिपॉजिट करता है, ये टूरिज्म प्रमोट करेगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कैसे है प्रेजेंटेशन में। अब मैंने इसको फिर से डिवाइड कर दिया, सब हेडिंग फ्लो ऑफ लावा क्या करता है, हेल्चन सॉइल रिक्लेमेशन, मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया साथ के साथ, तो ये मेरे आंसर्स को रिच बना रहा है, एग्जामिनर पढ़ के एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, और आपको नंबर्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। हेल्प इन सॉइल रिक्लेमेशन कैसे, व्हेन वेदर्ड, जो लावा है वो जब वेदर हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस फर्टाइल सॉइल एज वेल एज मिनरल रिच कॉम्पोजिशन, जैसे कि आयरन वगैरह की डिपोजिशन हो जाती है। आपको पता है ना ब्लैक सॉइल जो है वो एसोसिएटेड है वोल्केनिक इरप्शंस के साथ, एंड ब्लैक सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, कॉटन, शुगर केन के तक कुछ इसके ऊपर ग्रो करता है ना। फिर उसके बाद आ गया मिनरल डिपोजिशन, अगर मिनरल डिपोजिशन की हम बात करें तो वोल्केनिक इरप्शंस दे ब्रिंग अलोंग मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड, जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया क्या क्या, रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर, सिल्वर, जिंक एक्सेट्रा। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बता दिया गोल्ड इन ग्रीन स्टोन एंड बेल्ट इन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये सीस्मिक बेल्ट है, यहाँ पे सीस्मिक बेल्ट है, यहाँ पे क्या है फॉल्ट जोन्स है, और उस सब की वजह से जो है वहां पे मिनरल डिपोजिशन जो है बहुत हैवीली रिच है। अब देखिए ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कब प्रिपेयर किया था, आपके एक टॉपिक में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, तो जब मैंने मैप वाइज कॉन्टिनेंट वाइज सारे प्रिपेयर किए तो मैंने इस तरीके से किए, ये नहीं कि इस जगह पे ये मिलता है, ये कि इस जगह पे अगर ये मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है मिनरल्स वहां पे है जहाँ पे लावा की डिपोजिशन ज्यादा है वहां पे ये मिनरल्स मिल रहे हैं, तो वो मैंने एक आध एग्जाम्पल किया, वो यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म में यूज हो गया है ना। तो ऐसे आंसर्स आपके और एनरिच होंगे, तो ऐसे आपके आंसर्स जो है बहुत इंटीग्रेटेड बन जाएंगे है ना। नाउ अगला क्या है, बूस्ट लोकल इकोनॉमी,
प्रमोट करता है टूरिज्म को, लोग देखने आते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आजकल आपने देखा है वोल्केनिक टूरिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है. मैं न्यूज में देख रही थी कि कहीं पे एक वॉल्केनो है, मतलब वो डोमेंट ही डोमेंट इन सेंस, मतलब इट इज एक्टिव बट उसमें एक्टिवली इरप्शन नहीं हो रहा, बट हीट, जियोथर्मल हीट वहां पे है. तो लोगों ने उसके ऊपर एक कैफे, एक रेस्टोरेंट बना दिया है जहाँ पे जियोथर्मल हीट से वो फूड कुक करते हैं, एंड यू नो पीपल आर एक्चुअली कमिंग ओवर है. ठीक है, तो एक तरीके से टूरिज्म बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आप पढ़ रहे हो उसको अपने आंसर में कैसे डालना है, यही आपका आर्ट है. फिर जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स फॉर द रीजन, ऑब्वियसली जियोथर्मल एनर्जी हीट आएगी, हीट से एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो आप जो है वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी ही इसको एक बोल सकते हैं, नेचुरल. ठीक है, तो वो आपको ये प्रोवाइड करता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने लिख दिया, उसने पूछा था इम्पैक्ट, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे. नेगेटिव मैं अलग से आ गई हूँ. ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. पहला सब हेडिंग पॉल्यूशन, सिर्फ पॉल्यूशन लिख के खत्म नहीं करना है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है. मैं लिख रही हूँ वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज एयर पॉल्यूशन, जैसे कि रिलीज ऑफ गैस, एश, नॉइज पॉल्यूशन, ओशन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस द विजिबिलिटी मेकिंग फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट डिफिकल्ट. ठीक है, तो पोल्यूशन को हल्का सा मैंने लिंक कर दिया. उसके बाद रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बता रही हूँ, सच एज नाइट्रोजन रिजल्ट इन कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ऑल्सो एक तो ये इम्पैक्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा इम्पैक्ट क्या है, ऑल्सो लोकलाइज्ड कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एश आउटबर्स्ट दैट ब्लॉक्स द सनलाइट कैन कॉज मिनी आइस एज. एग्जाम्पल दे दिया इन केस ऑफ माउंट कराकाटाओ इंडोनेशिया, इसमें क्या हो गया, इतना ज्यादा एश निकला, इतना ज्यादा एश निकला कि सनलाइट जो ऊपर से आ ही नहीं पाई, ऐश की वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाई और एल्बिडो की वजह से वो वापस चली गई. और इस तरीके से वहां पे एक लोकलाइज्ड जो है एनवायरनमेंट में कूलिंग इफेक्ट आ गया है ना, तो उसको मिनी आइस एज भी ऐसे हमने इसको टर्मिनोलॉजी यूज की. तो ये है, तो देख रहे हैं आप ये सारा नॉलेज कैसे आप आंसर में डाल सकते हैं. अगला डिजास्टर, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी वाइल्ड लाइफ डेथ ऑफ फिशेज टर्टल्स इन ओशंस. एग्जाम्पल अभी ला पामा जो स्पेन में आया था उसके इरप्शन से मतलब 3000 लोकल बिल्डिंग्स खराब हो गई, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो. कोई आप अगर सबमरीन वॉल्केनो है उसकी इरप्शन बता सकते हो, उसकी वजह से कितने जो मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन लाइफ है उसकी डेथ हुई. तो ये सब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे, छोटी मोटी कटिंग करके या एक पेज में एग्जाम्पल्स ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये टॉपिक है, ये मेरे कहाँ यूज आ रहा है. अच्छा हाँ, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लिख दो एग्जाम्पल फॉर ज्योग्राफी, टॉपिक ये. इस तरीके से आप न्यूज पेपर से जब मटीरियल रॉ मटीरियल इकट्ठा करना शुरू करते हैं, सोर्स गैदरिंग शुरू करते हैं, तो आपको बहुत यूजफुल रहता है. एक चीज मैं और बताती हूँ कि पढ़ते तो न्यूज़पेपर सब है पर उन्हें मालूम नहीं चलता कि कैसे करना है. अब मैं आपको बताती हूँ, आप एक सुपरमार्केट में गए, ठीक है, सुपरमार्केट में गए, दिस सुपरमार्केट इज ऑल द रॉ मटेरियल, द न्यूज़पेपर, द बुक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब मान लो आपको पास्ता बनाना है. अगर आपको पास्ता बनाना है, अगर आपको पहले से माइंड में पता है कि मुझे पास्ता बनाना है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, मान लीजिए आपको बिरयानी भी बनानी है, तो जब आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो इतने सारी चीजों के बजाय आप क्या करेंगे, पहले टाइप ऑफ पास्ता में जाएंगे, वहां से ये मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है, मेरी चॉइस का है, वो पास्ता उठाएंगे, फिर सॉसेज उठाएंगे, फिर वेजिटेबल्स उठाएंगे, है ना, बटर उठाएंगे. तो आपको पता है आपको इस सुपरमार्केट में इतना कुछ है, पर आपको पता है कि आपको क्या लेना है कि काम आए. उसी तरह एग्जाम है, ठीक है. अब आपको पता है कि आपका सिलेबस, आपको सिलेबस पता है, मुझे ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स है. अब ये सुपरमार्केट रॉ मटेरियल है, बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, करंट अफेयर है. जब आप इसमें पढ़ रहे हैं कुछ, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये टॉपिक लिखना है, ये मुझे कहाँ काम आ सकता है, इज इट नेसेसरी, क्या मेरी यूटिलाइजेशन है, उसको उठा के रख लो, वरना मटेरियल तो नेवर एंडिंग है ना. ये एक छोटा सा आपको टिप दिया मैंने कि कैसे न्यूज़पेपर से मटेरियल गैदर करना है. अब आगे चलते हैं, अब एंड करना है. एक लाइन से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, एक लाइन से मैं कंक्लूजन दे रही हूँ. Volcanic eruption is a natural phenomena. भाई होना ही होना है, नेचर का पार्ट है. It is also a boon, है ना, blessing. But care must be taken in management and prevention of associated losses. As simple as that. क्योंकि unavoidable तो है नहीं.
सॉरी होगा ही होगा, पर कैसे उसको हम एक पॉजिटिव सेंस में मैंने इसको कंक्लूड कर सकते हैं वो आपको दिखाया। इसी तरीके से आप जो है ठीक है बाकी आंसर्स, बाकी ईयर के आंसर्स को ट्राई करना, लिख के हमें भेजना, हम अपने व्यूज उस पे जो है आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप ये सेशंस आपको फ्रूटफुल लग रहे हैं, योर लाइक योर रिव्यू ठीक है, आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हम चाहते हैं आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है या कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरीज है, तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगले क्वेश्चन के साथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो आपका पूछा गया है, जो आपका पूछा गया है 2021 में ज्योग्राफी पार्ट में ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ये है व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, इलैबोरेट योर आंसर। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए ठीक है, जो आपके आंसर में है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है ठीक है। क्या सिर्फ इंडिया को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गिनते हैं, या जब हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो कुछ और कंट्रीज भी है जो इसमें आती हैं, और अगर वो कंट्रीज आती हैं तो वो कंट्रीज कौन सी है, और वो उनको सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों बोला गया है ठीक है, व्हाई दोज कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये बेसिक नॉलेज आपको इसका पहले बात पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको इसकी पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडिया, जब आपको ये एड्रेस करवाना है क्वेश्चन को कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, तो मतलब एक छोटा कॉन्टिनेंट ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में मतलब इंडिया इतना डाइवर्स किस किस डायमेंशन में है, इतना कंप्लीट क्यों है कि इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो पहले आप इसमें इसकी ज्योग्राफिकल एक्सपांस के बारे में बता सकते हो कि कितने एरिया में फैला हुआ है ठीक है, फिर आप इसकी वेजिटेशन की बात कर सकते हो, आप इसके क्लाइमेट की बात कर सकते हो जो बहुत ही डाइवर्स है, आप इसके रिसोर्सेज की बात कर सकते हो, आप इसके पीपल की बात कर सकते हो है ना, आप इसके पीपल की बात कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कितने तरीके की तो इसमें रेसेस है ठीक है, रिलीजन है, कास्ट है, कलर है, क्रीड है ठीक है, कितने तरीके के और डायलैक्ट है, हर 10 किलोमीटर जाने पर तो लैंग्वेज बदल जाती है, कितना डायलैक्ट है, कितना डाइवर्सिफाइड इंडिया ठीक है। तो है बोलने के लिए तो ये एक इंडिया है, पर जो इसके नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट इतना फैला है और जितनी वेरिएशन के साथ इंडिया फैला है, वो सब आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे जो है वो लिखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये बता दिया है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, ये लिखना शुरू कर दिया। 10 मार्क्स का है, मेरे पास 10 का लाइन्स ही लिखने का टाइम है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं फटाफट इस क्वेश्चन को एड्रेस करूं। इसमें इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज है कि अगर आप मैप बता देंगे एक्सप्लेनेशन में तो वो आपको थोड़ा और ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा ठीक है। देखो इंडिया इज कंसिडर्ड सब कॉन्टिनेंट, डायरेक्टली मैंने टारगेट किया क्वेश्चन को, बिकॉज क्यों, इट कवर्स एन एक्सपेंसिव लैंड एरिया, कहाँ से, नॉर्थ में हिमालय से, फिर बीच में गैंगेटिक प्लेन्स आ गए ठीक है, फिर प्लेट्यू रीजन आपका साउथ का आ गया ठीक है। तो ये मैंने बता दिया इसका थोड़ा सा ज्योग्राफी, आइलैंड्स भी है आप लिख सकते हैं। द कंट्री सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, वे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट, और इतनी तो इसकी कोस्ट लाइन ही है ठीक है, इतनी तो कंट्रीज नहीं होती। देन ज्योग्राफिकली इट रिफ्लेक्ट्स वास्ट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी, टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड अदर्स। तो मैंने उसको बता दिया इतनी सारी वेरिएशन इंडिया में एक लैंडमास में देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा उसका जो है हिस्ट्री में, पास्ट में क्या हुआ था, जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है वो बताऊंगी। इन द पास्ट अराउंड 55 मिलियन ईयर्स अगो, इंडिया जो है ड्रिफ्टेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड एंड मर्ज्ड विद द यूरेशियन लैंडमास। तो यहाँ से टूट कर, ये मैंने थोड़ी मूवमेंट बता दी, ये इंडिया नीचे से टूट कर यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लग पड़ा ठीक है, नॉर्थ ऊपर की तरफ ये चलने लग पड़ा। तो ये जो पार्ट गया ये, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला कि ऊपर की तरफ गया, और इसमें क्या आज की डेट में जियो पॉलिटिकली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका,
पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर आपको पता होगा एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। कहाँ पढ़ोगे ये? एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी में सब दिया है। जब आप ढंग से उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। इसके बाद हमने फिर से इसमें इंडिया की डाइवर्सिटी बोला कि इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड। ठीक है, देयर इज हेटरोजेनस कल्चरल डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट। डाइवर्सिटी इन किस किस में? रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर। हार्डली देयर इज एनी कल्चर एज वेरिएड एंड एज यूनिक लाइक इंडिया। इंडिया के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अगर आप चाहो तो यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि किन किन स्टेट्स में ट्रॉपिकल है, एक दो सब ट्रॉपिकल कहाँ है, टेम्परेट कहाँ है आपका हिमालय में। ठीक है, और वेजिटेशन भी इतनी वेरिड है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो वेजिटेशन के भी कि यहाँ पे जी टेम्परेट फॉरेस्ट आपके मिलते हैं उसमें ये पेड़ है, और यहाँ आपके मैंग्रोव मिलते हैं, यहाँ आपके डेसिडुअस मिलते हैं, मॉस डेसिडुअस, यहाँ ड्राई डेसिडुअस, यहाँ एवरग्रीन, और ये एग्जाम्पल है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है आप लिख सकते हो तो आप वो लिखोगे, आंसर और रिच हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज यंग फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, ओल्ड वो लाइक अरावलीज, ब्लॉक माउंटेन लाइक सतपुरा एंड विंध्यास। इट हैज वास्ट थार डेजर्ट, इट हैज प्लेट्यूज, इट हैज प्लेन्स, इट हैज कोस्टल प्लेन्स, इट हैज आइलैंड्स। इन इटसेल्फ इट रिप्रेजेंट्स अ सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से हमने आंसर को एड्रेस किया है। 10 मार्क्स का है, फटाफट ये लिख के खत्म कर सकते हैं और इसमें आपके मार्क्स अगेन जो है पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अगर डायग्राम बनाओगे तो और ज्यादा आपको मार्क्स आने के चांसेस, डायग्राम के बाद आपके एक दो नंबर और बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि 15 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है, briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on local weather condition with examples. ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आप वर्ल्ड मैप पे अगर दिखाते हैं माउंटेन्स को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्योंकि वो भी मैप में आ गया है। मोर ओवर आपका क्या हो रहा है कि अलाइनमेंट जो है वो ऑलरेडी दिख रही है, तो आपको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ बोलोगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, वेस्ट एंड में है, मतलब इट विल बी वेरी कम्बरसम। ठीक है, तो उसको कट करने के लिए जो आप है एक प्रॉपर वर्ल्ड मैप बनाइए। यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप है उसमें जैसे कंट्रीज भी डिवाइडेड है, ये जरूरत नहीं है आपको। एक बार आप वर्ल्ड मैप बनाना सीख लीजिए, आपको कोई परफेक्ट नहीं होना है। बस एग्जांपल के लिए जैसे नॉर्थ अमेरिका का बनाने लगे तो हल्का फल्का फुल्का आपको पता है कि कैसे जाएगा ये, थोड़ा सा अलास्का वालास्का दिखा दिया, थोड़ा सा ये ऊपर को ऐसे ले गए, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब आपको ये रूटीन प्रैक्टिस में ये जो आपको है ये आ ही थोड़ा ये ऐसे। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका आपका हो गया, फिर उसके बाद साथ में ही आपने जब शुरू करना है तो ऐसे 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 करके आप अपना यू 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 ले जाके आप अपना साउथ अमेरिका कर दीजिए। जब बनाने लगेंगे, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहे। वर्ल्ड मैप सारे कॉन्टिनेंट्स एक बार ऐसे ही बना के रख लो, ठीक है, फिर कोई भी क्वेश्चन आता है वर्ल्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड, आपको दिखाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप वैसे भी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं इसकी आई यूज आई जाती है, मैप होगा तो बहुत ही आसानी से आपको मतलब मार्क्स जो है वो फेच हो जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे रॉकीज दिखाना है, लो जी रॉकीज बता दिया, अपलेशियंस बतानी है, लो जी अपलेशियंस माउंटेन हो गए, अलाइनमेंट डायरेक्शन सब कुछ हो गया, बस यहाँ पे लिख दो रॉकीज। तो इस तरीके से जो है आप पेपर में इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा यहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप में ही मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बता दिया है, नॉर्थ अमेरिका बनाया, उसकी मेजर है रॉकीज और अपलेशियन, दो भी दिखाएंगे, मेजर है बथेरा है, सियेरा नेवादा, सियेरा माद्रे है, फिर एंडीज आपको पता है ये एंडीज है, ज्यादातर माउंटेन्स देखो इस साइड पूरे वेस्ट एंड में ही है। ठीक है, फिर एटलस, एक बार पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसकी डायरेक्शन भी पूछा गया था और कि कहाँ मिलती है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है आपकी अफ्रीका के, एटलस हो गई, ये एल्प्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोप के एल्प्स हो गए, स्कैंडिनेवियन ऊपर हो गया, यूराल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप और रशिया को अलग करता है, कोकेसस हो गया, जैग्रोस हो गया, टॉरस हो गया, कराकोरम, अल्टाई माउंटेन्स,
हिमालयाज हो गया, द घाट्स हो गए, ठीक है, ये ड्रेकेनबर्ग साउथ अफ्रीका में हो गया, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे हो गया। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी आपको करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है, एक ही बार आपने एटलस से मैप बना के ये माउंटेन्स का है ऐसे 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 करके सीख लिया, ये रॉकीज हो गई, ये एल्प्स हो गई, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो मतलब पीटी में, मीन्स में, इवन इंटरव्यू में हर जगह काम ही आएगी। ठीक है, तो पहले इस मैप में, मैप ही बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपने यही मैप बना दिया तो 10 में से 5 नंबर तो आपने यहीं पे हासिल कर लिए अलाइनमेंट के, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब पूछा है इनका इम्पैक्ट क्या है लोकल वेदर कंडीशन के ऊपर, तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली। अब हमने उठा लिए माउंटेन्स जो मेजर है, तो पहला हम रॉकीज उठाते हैं, तो हम लिखते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, और ये क्लाइमेट और वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है। ये क्या है, एक क्लाइमेट डिवाइड है और वाटर डिवाइड है, उसी से पता चलेगा लोकल वेदर क्या है। अब हमने पॉइंट्स में लिख दिया 1 और 2। पहला तो आपको पता है स्नो ईटर जो चिनूक्स है, ठीक है, जैसे ये फिनोमेना बता दिया, मॉइस्चर लेडन विंड वेस्ट जो वेस्टर्न साइड है वहां पे ऊपर जाके टकरा के सारा मॉइस्चर यहीं गिरा देती है, फिर ये ड्राई विंड बन जाती है चिनूक, और ये ड्राई होती है और फ्रिक्शन में चल के यहाँ जो बर्फ गिरी होती है उस सबको ये साफ कर देती है, वार्म ड्राई विंड होती है, तो स्नो ईटर विंड। तो ये एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया। और फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि एयर मास जो वेस्ट से है, अगर आप पिछली स्लाइड में ये देखेंगे, रॉकीज कहाँ है आपके, सॉरी ये है रॉकीज, वेस्ट में है, तो जो एयर मास वेस्ट का है, ठीक है, आप डायग्राम में भी दिखा सकते हो, दे आर फोर्स टू मूव साउथवर्ड्स, ठीक है, एंड दे अब्सॉर्ब हीट, ठीक है, एंड दे अब्सॉर्ब हीट एंड मॉइस्चर बिफोर हेडिंग इन नॉर्वेज डायरेक्शन, दिस वे माउंटेन रेंज हेल्प टू इंक्रीज डोमिनेंट साउथ वेस्टर्ली। तो जो विंड्स है ये वार्म बन जाती है नॉर्वे साइड में और वहां पे प्रिवेंट करती है फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से विंड जाएगी वेस्ट टकराई, साउथ में गई, यहां से निकली, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ चली, अब ये वार्म बन गई, साउथ से आ रही है और कहां से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, ठीक है, तो ऐसे इस साइड से ये साउथ यहाँ पे आई, जब ये नॉर्वे नॉर्वे में पहुंचेंगी तो ये क्या होंगी, ये वार्म विंड्स होंगी। तो इस तरीके से ये वहां का क्लाइमेट जो है इम्पैक्ट करती है। अगला देखिए आप, ठीक है, अगला अब हमने एंडीज में बताया, तो मेजर मेजर जो इम्पैक्ट है वो उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसे मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बोला है। अब एक ही सारे इम्पैक्ट लिखने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा, तो फटाफट माउंटेन का नाम और पॉइंट्स में लिखो। अब एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, मैप में देखा आपने, इसलिए ये वॉल बनता है बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसका जो नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट है वहां पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। इसकी एलिवेशन इतनी ज्यादा है कि 99% ऑफ ट्रॉपिकल ग्लेशियर जो है आपके वो एंडीज में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे परमानेंट आइस रिवर फ्लो रहता है। इसका रेन शेडो एरिया है एक डेजर्ट जिसको पैटागोनिया बोलते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन क्लाइमेट ऑफ साउथ अमेरिका इज सीन एज एंडीज ब्लॉक द विंड फ्रॉम पैसिफिक टू रीच द इंटीरियर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंडीज का क्या इम्पैक्ट है वो लिख दिया। अब देखिए ज्योग्राफी फैक्ट बेस्ड है, इसमें एनालिसिस तो वहां जहाँ पूछा है वहां काम आएगा, पर जो फैक्ट्स है वो आपको सच पता ही होने चाहिए जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, जब आप माउंटेन पढ़ रहे हैं। बस आप एक कोशिश कीजिए कि जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं काम आएगा। अब हम बात करते हैं यूराल्स की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूराल्स आपके कहाँ है ये, ठीक है, मैंने बताया था रशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है, क्या करते हैं ये, तो दे लो है तो इनकी एलिवेशन लो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं हम एल्प्स की। एल्प्स हमारे यूरोप में है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्शन ऑफ लोकल विंड्स, जैसे फोहन और मिस्ट्रल, जब आपने लोकल विंड्स पढ़ी होगी तो आपने वहां पे ये पढ़ा होगा। लोकेशन ऑफ एल्प एंड इट्स एलिवेशन वेरिएशन गिव्स राइज टू एक्सट्रीम डिफरेंस इन क्लाइमेट। एल्प रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम अटलांटिक, from north they block the polar air influence and from south they receive the mediterranean wind flow. to isliye bata diya hai ki teeno side se jo winds hai usko kaise impact karta hai. valley ka bottom warmer hota hai, temperature inversion winters mein dekhne ko milta hai.
बात करते हैं हिमालयस की, नॉर्दर्न एंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, तिब्बत के साइड से आने वाली फ्रीजिंग विंड्स को ये ब्लॉक कर देता है, इसलिए यहाँ पे स्नो आती है और ये परमाफ्रॉस्ट रीजन रहते हैं यहाँ का। इसी की वजह से टेम्परेट क्लाइमेट जो है उसमें बसे हिमालयस में आपको देखने को मिलता है। ये मानसून के लिए भी एक बैरियर रहते हैं, अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मानसून जो है वो कहाँ चला गया होता, ऊपर सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो इंडिया में इतनी बारिश हमारी नहीं होती। फिर एटलस है, एटलस आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ये मेडिटेरेनियन विंड्स को फेस करता है और सहारा का रेन शैडो भी यही है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड में है, ये इसकी वजह से जो इनलैंड है वो ड्रायर है, रेन जो सारी है ये ब्लॉक कर देते हैं ईस्ट से आने वाली, और कोस्टल प्लेन्स इसके बहुत ही मॉनसूनल रहते हैं, बहुत ही मतलब बारिश वाले रहते हैं, ठीक है, दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द तस्मान सी एज वेल। तो हमने इन शॉर्ट जितना पॉसिबल हो सकता है फटाफट से हमने इसको मतलब अगर हमने मैप बनाया हो और अगर हमने माउंटेन्स की डायरेक्शन पता हो तो विंड्स तो हमने पढ़ी है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको फटाफट लिंक कर दिया कि ये विंड इसको ये ब्लॉक कर देता है, ये विंड ये करती है, क्योंकि विंड मूवमेंट तो आपको पता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो ही फटाफट मैप बना के आपने लिख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में 15 में से आपको जो है वो 9 या 10 नंबर भी आ सकते हैं अगर आप विद मैप और विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एड्रेस करना था हमारा ज्योग्राफी का ये वाला क्वेश्चन। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो ऑल, अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के 7th क्वेश्चन की तरफ जो आपका यूपीएससी मेंस 2022 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस and glaciers of the Antarctic differently affect the weather pattern and human activities on Earth? Explain. और ये 15 marks का है। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो इस क्वेश्चन में बहुत ही मतलब टेक्निकल चीज छुपी है, क्योंकि ये सीधे नहीं पूछ रहे हैं कि आपका आर्कटिक आइस और अंटार्कटिक का क्या असर है, ये पूछ रहे हैं have differently affect the weather pattern and human activities, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको weather pattern के बारे में बताना है, ठीक है, और human activities के बारे में बताना है जो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक की melting जो है वो impact कर रही है कैसे, ठीक है। तो आपको उन सब phenomena को include करना है जो अंटार्कटिक melting की वजह से accelerate हो रहे हैं और जो आर्कटिक मेल्टिंग की वजह से एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में दो लाइनें दी है कि मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर हैव एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हमें पता ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, एक न्यूज़पेपर में से ये इंफॉर्मेशन निकाल के रखी थी कि कहीं यूज करेंगे क्लाइमेट चेंज में, तो यहाँ पे यूज हो रहा है तो डाल दो, स्टडी का नाम लिखोगे तो और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। According to a recent study, 90% of dense ice sheets of Arctic are depleting at a faster pace. ठीक है, अब हम सीधे आते हैं impact on weather pattern. उसने पूछा weather और human, पहले हम weather पे आए। अब हमने differently mention किया कि आपका Arctic amplification हो रहा है, क्या हो रहा है? उसके बाद हमने ना ये फटाफट, क्योंकि इतना ज्यादा लिखने का टाइम नहीं है, क्यों आपको वेदर पैटर्न भी बताना है, आपको ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट भी बताना है, तो अगर आप पूरा पूरा लिखोगे तो फिर आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम मैंने यहाँ पे ना बस कीवर्ड्स लिख दिए हैं कि एग्जामिनर समझ ही जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है कम स्पेस और कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? सिंस आर्कटिक इज वार्मिंग डायरेक्टली मोर देन ट्वाइस एज क्विकली एज द ग्लोबल सर्फेस एवरेज, दिस इज इम्पैक्टिंग द पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? मैसिव एक्सपांस ऑफ कोल्ड एयर रिजल्टिंग इन मोर एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने एक डाल दिया कि आर्कटिक की वजह से, फिर मैं बता रही हूँ अब दोनों की वजह से क्या होता है, दोनों में मेल्ट हो रहा है तो क्या होगा, चेंज इन पैटर्न ऑफ सर्कम पोलर विंड्स, ठीक है। कैसे? जेट स्ट्रीम में चेंजेस आएंगे, ठीक है, पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी वार्मर एयर की तरफ, ठीक है, एंड इट कैन डिप साउथ विच मीन्स देयर विल बी मोर एक्सट्रीम विंटर्स। तो इसको ही ना मतलब एक एक लाइन डाल के हैश डाल के मैंने फटाफट एक्सप्लेन करने का किया है। अब अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो आपकी मतलब पढ़ने में थोड़ी कमी रह गई है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा
ट्रेडिशनल बुक से तो होगा ही होगा, उसके अलावा इसमें आप गूगल पे अपना पूरा इंटरनेट पे सर्च करके भी इसको जो क्वेश्चन को है उसकी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, फिर आपको बेटर समझ आएगा कि हमने क्या लिखा है और वो क्यों लिखा है। अगला है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ये जो परमा फ्रॉस्ट है, अगेन दोनों का इम्पैक्ट, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होती है और मीथेन आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, और जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिलीज होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मोर इंटेंस हीट वेव्स भी वर्ल्ड वाइड जो है हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें वार्मिंग एयर की, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, वार्म एयर हो रही है, ओशियन टेम्परेचर जो रहा है वो कोस्टल स्टॉर्म्स ला रहा है, तो ज्यादा आपके जो है डिजास्टर्स वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओशियन करंट्स आर इन्फ्लुएंस, करंट पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, साइक्लोनिक फॉर्मेशंस आर इम्पैक्टेड, चेंज इन ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न हो रहा है, इंक्रीज एडवर्स इवेंट्स सच एज एल नीनो लानीना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक की आइस को ये सारे वेदर फिनोमिना के साथ जो है वो लिंक कर ही दिया है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर क्या असर होगा, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज है, सबसे पहले हमने बोला कोस्टल कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि राइजिंग सी लेवल होगा मेल्टिंग से, चेंज इन ओशन वाटर टेम्परेचर होगा, फ्लड्स आएंगे, स्टॉर्म सर्जेस होंगे, ज्यादा ओशन डिस्टर्बेंसेस होगी, डिजास्टर आएंगे, फिशिंग कम्युनिटी इम्पैक्ट होगी, डिप्लीटिंग फिश रिजर्व्स होंगे, ठीक है। तो पहला ये एक्टिविटी बता दी, फिर इम्पैक्ट ऑन फार्मर कम्युनिटी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, क्लाइमेट रिफ्यूजी, थ्रेट टू टूरिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स बढ़ रहे हैं, और लम्बरिंग इंडस्ट्री कैसे इंपैक्ट हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज पे आया तो मैंने सब कुछ ही मतलब अलग अलग ग्रुप्स में, क्योंकि कम टाइम है, कम स्पेस है, तो मुझे लगा कि इस तरीके से आप एड्रेस करने में आसान रहेगा कौन कौन सी कम्युनिटीज जो डिपेंडेंट है पहले, ठीक है। फार्मा कम्युनिटी बहुत डिपेंडेंट है क्योंकि थ्रेट हो जाएगी फूड सिक्योरिटी को, क्यों, इरेटिक पैटर्न रेनफॉल को हो जाएगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, ये तो इनका एग्रीकल्चर तो डिपेंडेंट ही रेनफॉल पे है, ठीक है, रेनफेड एग्रीकल्चर है, नई नई बीमारियां आने लगेगी, डिजीजेस पेस्ट इन्फेस्टेशन आएगा, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एडवर्स इवेंट्स फ्लड्स ड्रॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, हीट वेव होगी, तो ग्लोबल फूड चेन सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होगा, ज्यादा गरीबी बढ़ेगी, ज्यादा पॉवर्टी होगी, ज्यादा भुखमरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने एक ही पैराग्राफ में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर डिस्कस किया है। अब थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे, बहुत सारी कम्युनिटीज इन पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल्स है, फीमेल्स है विलेजेस में जो एनवायरनमेंट के ऊपर डेवलप्ड है, उनकी अपनी एम्पावरमेंट के लिए डिपेंडेंट है, तो वो सब भी इम्पैक्ट होंगी, ठीक है। क्लाइमेट रिफ्यूजी, यहाँ पे वाटर वॉर, सिविल अनरेस्ट की मैंने बात की है, टूरिज्म को थ्रेट होगा, क्यों, डिजास्टर्स आएंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, एक्सट्रीम इवेंट्स आएंगे, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बुरे हाल से सफर करेगी, नेचुरल इवेंट्स एक्सट्रीम डेडली वायरसेस फैलेंगे, ठीक है, जैसे परमा फ्रॉस्ट है वो पिघल रहा है, वहां से निकलेंगे, उनका हम अभी तक इम्यून नहीं हो इनको लेकर, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं है वैसा, तो डेडली वायरसेस, फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही है हीट वेव्स की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से, तो लम्बरिंग इंडस्ट्री भी इसमें जो है वो आपकी इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इतने में हमने मैक्सिमम लिखने की कोशिश की है, अलग अलग डायमेंशंस देने की कोशिश की है, सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिख के एग्जामिनर को क्लियर करने की कोशिश की है, वेदर पैटर्न को बताया है, ठीक है, फटाफट ह्यूमन एक्टिविटीज को बताया है, तो इसी तरीके से आप ये 15 मार्क्स में इतना कर लिख पाएंगे, और ये आपकी प्रिपरेशन तभी आपको काम आएगी अगर आपने इसको पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार करके रखा होगा, वरना आपको ये आंसर भी समझ नहीं आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपका 2021 के मेंस में ज्योग्राफी में पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये बोलता है, डिस्कस द मल्टीडाइमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपके टॉपिक में है ही है,
ठीक है, आपको प्रिपेयर करना ही है। तो जब भी मिनरल ऑयल या कोई भी आई, तो आप एक वर्ल्ड मैप, क्योंकि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि आप रफली अगर एक वर्ल्ड मैप बनाना सीख जाएंगे तो आपको जगह जगह वो काम आएगा, है ना। कि ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या नॉर्थ अमेरिका है, क्या साउथ अमेरिका है ना। इस तरीके से आप मतलब एक रफ वर्ल्ड मैप की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप बता सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप रिसोर्सेस करेंगे तो को मैप पे लोकेट करने का जो है आप जरूर कोशिश कीजिए। जब भी आप, अगर आप मिनरल ऑयल की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि मिनरल ऑयल मेजरली जो आपका है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द वर्ल्ड जो है वहां पे बहुत होता है, ठीक है। तो जैसे अमेरिका में कहाँ है, हेलीफेक्स के पास है, और उसके बाद साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में है, कहाँ कहाँ है, मतलब ये थोड़ा सा आप ना मतलब एक जो भी मिनरल्स होंगी, जो भी मिनरल मिनरल्स या रिसोर्सेस आपने वर्ल्ड रिसोर्सेस किए होंगे, उनको मैप पे आप ऐसे लिख के एक बार लोकेट करके रख लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आ रहा है तो फटाफट से बना के आपने दिखा दिया, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो आप 5 मार्क्स तो आप यही स्कोर कर जाओगे, क्योंकि आपने एग्जामिनर को बता दिया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल में, आपने ये बता दिया कि ये मिनरल ऑयल यहाँ यहाँ वर्ल्ड में यहाँ यहाँ पर है, ठीक है। और जब आपने प्रिपेयर किया होगा तो आपको जगह की भी नाम भी पता होंगे, आप लिख सकते हैं कि जी हाँ ये लिबिया में है, ये यहाँ है, तो मतलब दैट विल जस्ट गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन कि आपने अच्छे से टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी हो सके ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, अगर मैप डाल सकते हो तो मैप डाल देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब इसने बोला डिस्कस मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहली जगह आप क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन में इम्प्लीकेशन ऑन, ठीक है, इकोनॉमी, इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी, इम्प्लीकेशन ऑन एनवायरमेंट, इम्प्लीकेशन ऑन जियोपॉलिटी, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसा हमने इस क्वेश्चन को किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशन में डिवाइड करके एज सच फिर से इन्हीं सब हेडिंग्स के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगले स्लाइड में आपको एक ब्रीफ सा आइडिया मिलेगा कि कैसे हमने इसको करना है, ठीक है। देखिए, तो मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन पूछा, तो हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव में बोल रही हूँ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से ज्यादा ग्लोबल इंटीग्रेशन है, कैसे एक कंट्री की दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस है। अब डिपेंडेंस है, लेना लेन देन है, तो रिलेशनशिप्स क्या रखने पड़ेंगे, स्मूथ रखने पड़ेंगे, अच्छे रखने पड़ेंगे। तो किसी ना किसी तरीके से अगर आप वहां किसी कंट्री से, इंडिया अगर तेल ले रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो भी वहां पे अपनी नई मार्केट बनाए, कुछ एक्सपोर्ट करे, है ना, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस है वो बच जाए, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी बच जाए, ठीक है हमारे। तो इस तरीके से ज्यादा ग्लोबल इंटीग्रेशन होगी कंट्रीज की, ठीक है, रिसोर्स एक्सचेंज होंगी, ट्रेड डेवलपमेंट्स होंगी, नेशंस में एग्रीमेंट बनेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बनेगी, बूस्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, बूस्ट रिलेशनशिप्स को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन इंटरेस्ट और भी एरियाज, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं, बी इट स्पेस, बी इट एग्रीकल्चर, बीट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में एक ये होगा कि वर्ल्ड में ज्यादा इंटीग्रेशन हुई। दूसरा पॉजिटिव क्या है, बून टू कंट्रीज अदरवाइज रिसोर्स स्कार्स। अब आप सोचो सऊदी अरेबिया में अगर तेल नहीं होता तो क्या होता, है ना। तो बहुत सारा ये देखे डेजर्ट कंट्रीज में, बहुत सारा ये जो तेल है ऑयल है वो निकला है, तो वहां की कंट्रीज को ये रिसोर्स रिच बना रहा है ना, उनको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवा रहा है। फिर उसके बाद और क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लीन फ्यूल्स, ईवीज, बायोडीजल्स, क्यों, टू कर्ब द डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कंट्रीज। अब आपको पता है कि जो मिनरल रिच कंट्रीज है, इन्होंने कार्टेल बना के रख लिए हैं, कार्टेलाइजेशन चलती है, और ये डिसाइड करते हैं कि बैरल की क्या कीमत होगी, है ना। तो अब कहीं ना कहीं पे एक तरीके की इनकी मोनोपली ही है, तो इस मोनोपली को तोड़ने के लिए बाकी देश क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स द क्लीनर फ्यूल्स, जो कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रहेंगे, एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस की। अब हम नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी को हम नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। हेजमनी,
मोनोपोली, डोमिनेशन ऑफ फ्यू, कार्टेलाइजेशन, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटीज, फ्लक्चुएशंस, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत मार्केट में रहता है. इन इन कंट्रीज ने मिलकर किसी कंट्री पे सैंक्शन लगानी हो, कुछ करना हो, मतलब दे हैव अ कंप्लीट सेइंग. ओके, देन व्हाट अदर नेगेटिव इंप्लीकेशन? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है, कैसे? जब ये पाइपलाइंस या शिप्स के थ्रू आ रहा है तो लीकेज हो जा रहा है या ऑयल स्पिल्स हो जा रही है, तो उसकी वजह से ओशन पॉल्यूशन है. आपने देखा होगा बार बार न्यूज में कई बार कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत ज्यादा फिशेस शोर पे मरी हुई मिली, दे कुडंट स्विम बिकॉज ऑफ ऑयल, बहुत सारी डक्स है ना. तो ये लॉस टू बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक इशू रहता है. और क्या इशू है? ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है. जैसे दुनिया को एनर्जी रिसोर्स की जरूरत तो रही रही है, तो जितना भी देखा गया ये मिनरल रिसोर्स रिच, स्पेसिफिकली तेल जो है, ऑयल जो है, वो वाली कंट्रीज जो इसमें रिच है उनके ऊपर वेस्ट ने हेजमनी कंट्रोल करने की कोशिश की है और बहुत बार अलग अलग रीजन से अटैक किया है. ठीक है, वो इन कंट्रीज में वॉर्स हुई है, सिविल अनरेस्ट हुए है और इंस्टेबिलिटी ही रही है, जैसे कि यूएस इन्वेजन ऑन इराक एंड लिबिया, सैंक्शन ऑन ईरान, ठीक है, इन्वेजन ऑफ सीरिया. तो ये सब बताता है कि एक बहुत ही जो है इसका एक जियो पॉलिटिक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है. फिर हम बात करते हैं अगली, हर्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ डिपेंडेंट कंट्रीज. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इन कंट्रीज में ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेज आ जाती हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ग्लोबल इनइक्वालिटी एक क्रिएट हो रही है. ठीक है, और नंबर फाइव, एक और चीज इसमें है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से माइग्रेशन, ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, और इन कंट्रीज में जा रहे हैं, इनके रूल्स जो है वो ह्यूमन राइट के बाकी सबके अलग है, तो देखा गया कि बहुत बार ह्यूमन राइट वायोलेशन हुई है, डेमोग्राफी का ड्रेन हो रहा है. तो क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, टोटल डिपेंडेंस तो कर्व आज की डेट में नहीं की जा सकती, ठीक है, पर बेटर रिलेशनशिप हमें रखने चाहिए सॉर्ट आउट करने के लिए. उसके अलावा मोर इक्विटेबल डेवलपमेंट, फोकस ऑन क्लीनर एनर्जीज एंड जुडिशियस बैलेंस ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इस फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव इम्प्रेशन के साथ आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे हैं कि कैसे किस तरीके से हम आंसर्स में मल्टीपल डायमेंशंस, एक इंटीग्रेशन और एक एनालिसिस पॉइंट डाल सकते हैं. ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, जैसे हमने 2021 को डिस्कस किया है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2020 को खुद से लिख कर देखें. थैंक यू.